2024 की लोकसभा चुनाव की गहमी इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है नए नए लोग जोड़ रहे हैं, नया जो कंटेस्ट चल रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ऋषिपाल अमावता जी, जो नाम ही उनका काफी है, उन्होंने भी जो है अब कांग्रेस को जो है समर्थन देने की घोषणा की है। देखिए, हमने जो ये निर्णय लिया है, ये यहाँ नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन को हमने जो समर्थन किया है, वो इनकी तानाशाही को देख करके जो 750 किसान शहीद हुए उस पर निर्णय लिया। जो भी किसान संगठन हैं, इनका विरोध करने का आज सही मायने में देखा जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आज चुनाव चल रहा है, ये चुनाव बिल्कुल किसान, पूरे भारत का किसान ने ये तय कर दिया है। अभी मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि ये जो फैसले आएंगे, ये चौंकाने वाले फैसले आएंगे, जो ये 400 पार कह रहे हैं, तो मैं आज आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि ये 150 पार भी नहीं जाएंगे, 150 पार नहीं होगा एनडीए पर। और जो है यूपी में भी जो आज हाल है, यूपी में उत्तर प्रदेश का जो मकसद राहुल और अखिलेश, इन दोनों ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और ये फैक्टर बहुत मजबूती से लोगों को पसंद आया है। यहाँ भी हरियाणा में भी मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में 10 सीट हैं, कोई एक आध सीट लीज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। यहाँ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू चल रहा है और सरकार भी मेरे ख्याल में कांग्रेस की बनने जा रही है। और यहाँ जो आप सीट कह रहे हैं, हमारी जो फरीदाबाद लोकसभा है, इसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि महेंद्र प्रताप की छवि के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। आज पहले जब ये इनको टिकट नहीं मिला था तो जो यहाँ प्रत्याशी थे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, तो हमने सुना था वो कहते थे कि 10 लाख पार, 10 लाख से जीत होगी, 10 लाख से जीत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो ये आंकड़े बदले हैं, मुझे तो ये उल्टा लग रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ महेंद्र प्रताप की लोकप्रियता पर चुनाव हो रहा है। यह कोई भी कैंडिडेट होता, इससे मजबूत कैंडिडेट कोई है नहीं। आज कांग्रेस में भी है, एक छवि साफ है और ईमानदार आदमी। महेंद्र प्रताप को शहरी, ग्रामीण, सब जगह, उनको हर जगह, हम कहते हैं कि बाजार में, शहर में, हर जगह उनकी बढ़त है, ये हमें लगता है। महेंद्र प्रताप की छवि तो आपने बता दिया, लेकिन कुछ जो कारण है भाजपा के, वो भी कहते हैं, जैसे कृष्णपाल जी कहते हैं कि देश में जो विकास की बयार वही है, 10 सालों में जो फरीदाबाद का जो तो विकास हुआ है वो आज तक किसी भी कांग्रेस के कालकाल में नहीं हुआ, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कह रहा हूँ 10 साल में जितना विनाश हुआ है मोदी जी के राज में, कोई आप कोई भी चीज देख लीजिए, पहलवानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, कितने आंदोलन हुए और इस सरकार ने किसानों के आंदोलनों को कुचलने का काम किया। पहलवान बेटियों को देखो कैसे घसीट घसीट कर इन्होंने, कुछ भी जो हुआ तानाशाही का एक रवैया था। और अब हमारा सारे देश में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला पूरे देश के किसान, मजदूर, मजलूम सब ने लिया। और आज सच्चाई है कि जो अभी दिख रहा है, 4 दिन बाद आप देखना, जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन इस देश की तस्वीर साफ, और इस देश में आज जो वोटिंग हुआ है वो आज सच्चाई में ये हुआ है किस तानाशाह को चलता करने के लिए, नंबर एक, नंबर दो संविधान को बचाने के लिए। देश का संविधान, यहाँ धर्म के नाम पर जो वोट मांगने वालों का भी इलाज किया है इस जनता ने, संविधान का भी। अरे मंदिर, मंदिर की आस्था हमारी भी है, सब पूरे देश की आस्था है मंदिर, मंदिर के नाम पर वोट मांगोगे तुम? मंदिर बनाया है मंदिर का, तो अगर सही मायने में पूछो तो मंदिर का जो ताला खुलवाया था वो राहुल का, राजीव गांधी ने खुलवाया था। और सही मायने में आज इस देश की लोगों ने देख लिया, 10 साल में फिर लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस को। देखिए, मोदी जी अभी कुछ दिन पहले भाषण में कह रहे थे कि भी कांग्रेस जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है, और हमने देखा भी है कि जो भी घोषणाएं हुई हैं, राहुल गांधी जी ने भी ये बोला कि भी संस्थाओं में पहला हक जो है मोहम्मदन का, मुसलमान कम्युनिटी का है, तो इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मोहम्मदन भी इस देश के नागरिक हैं और हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं। जब इस देश की आजादी में, जब इस देश की लड़ाई लड़ी गई थी,
इस देश की आज़ादी में अहम योगदान हिंदुओं का भी रहा और मुसलमानों का भी रहा। इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं चल सकता। इस देश में मैं ये कह रहा हूँ, एक हाथ हिंदू है तो दूसरा हाथ मुसलमान, और हम इसको नहीं मानते। ये धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये अब इनको बता देंगे लोग क्या हुआ। लोग नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। रोजगार है नहीं, महंगाई कहाँ जा रही है? अरे तुमने 10 साल राज किया है तो महंगाई के नाम पे आज 10 साल में आज बताइए क्या काम किया, क्या विकास किया आप लोगों ने? 10 साल का विकास बताइए क्या काम किया मोदी जी ने? मोदी जी ने सिर्फ, सही मायने में पूछो, जब ये हुआ था तुम्हारे सामने है, जब 2021-22 में कोरोना आया था, थाली बजाना घंटी बजाना यही तो काम किया। गैस, कितने लोग मर गए, कितने लोग मारे गए उसमें। और अब वैक्सीन का चल रहा है, जो ये वैक्सीन नकली लगवाई है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ठीक है, पहली बार मोदी जी को चुना, लोगों ने एक तरफा जिताया, फिर दूसरी बार ये चुना, कोई गलती रहेगी आपकी पार कर देगा। अरे 2 बार 10 साल देख लिया, मोदी जी के पल्ले नहीं है कुछ भी। मोदी जी का तो एक ही खेल है, अकूट गेरो राज, जो अंग्रेजों की नीति थी वही थी। आज पूरे देश में जाति जनगणना का हम समर्थन करते हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसके जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आज बिहार में, मैं आज तुम्हें एक एग्जाम्पल आज बता रहा हूं, बिहार में 40 सीट हैं, 35 गठबंधन। यूपी में 80 सीट हैं, 45 गठबंधन, यहीं की बता रहा हूं। राजस्थान में 25 सीट हैं, 15 कांग्रेस। हरियाणा में 10 सीट है, 8 कांग्रेस। दिल्ली में 7 सीट है, 6 गठबंधन। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ सरकार बन रही है, कहाँ है ये सब कुछ? अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो ये है कि मैं 4 तारीख को बोलेंगे, जो भी आज तुम्हें बता दिया हमने। तो हमें चारों तरफ इंडिया 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 गठबंधन, इंडिया गठबंधन की आवाज आ रही है। ये थे हमारे बीच किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ऋषि परमार जी।